कैसे हैं आप सब तो दोस्तों आज की जो ओपनिंग आ रही है वो आ रही है विश्व समुद्र प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से तो दोस्तों ये बेसिकली जो है एनर्जी के क्षेत्र में यहाँ पर वर्क करता है टॉप एमएनसी में से ये कंपनी आती है टॉप एमएनसी कंपनी है अब मैं आप लोग को बता दू एक तरीके की ये जो है कंपनी काफी अच्छी है और एनर्जी के सेक्टर में वर्क करती है और साथ में यहाँ पर अगर आप यहाँ पर लग जाते हैं एक बार तो आप लोग परमानेंट हो जाते हैं ठीक है आप लोग यहाँ पर परमानेंट हो जाएंगे अगर आप लोग एक बार यहाँ पर गए तो देखिए मैं आप लोग को दो चीज़ बताती हूँ यहाँ पर अगर जो ग्रेजुएट किए हुए हैं जो ग्रेजुएशन वाले हैं जो डिप्लोमा वाले हैं ठीक है ग्रेजुएशन वाले फ्रेशर हैं और डिप्लोमा वाले फ्रेशर उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ आप लोगों को आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पर जॉब मिलेगी दो तरीके की जॉब मिलती है ठीक है एक मिलती है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड और एक मिलती है ट्रेनिंग की जॉब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करते हैं उसमें आप लोगों को it मतलब एक लॉस हो जाता है कि आप अगर आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लोग उसे छोड़कर नहीं जा सकते ये दोनों तो के लिए लेकिन अगर आप लोग को ट्रेनिंग की जॉब मिलती है तो आप लोग उसे वन ईयर के बाद वहां पर छोड़कर जा सकते हैं क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है वहां पर दूसरा चीज अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोग जॉब करते हैं अदर किसी कंपनी में तो आप लोग को जितने मान लो पांच साल का तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट तो उसके बाद आप लोगों को कंपनी से निकाल दिया जाता है बट अगर ट्रेनी की जॉब करते हैं आप लोग तो ट्रेनिंग की जॉब करने पे पहला फायदा ये होता है आप लोग के लिए कि सबसे बढ़िया चीज़ आप लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है दूसरा चीज ये फायदा होता है यहाँ पर कि आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ अगर आपकी जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है तो आप लोग को क्या कर दिया जाता कंपनी क्या कर देती है परमानेंट कर देती है क्या कर देती है परमानेंट कर देती है किसको ट्रेनिंग वालों को तो इसीलिए मैं आप लोग को कहती हूँ कि यहाँ पर अप्रेंटिस हो गई या फिर ट्रेनिंग की जॉब हो गई आप लोगों को वन ईयर की ट्रेनिंग जॉब करनी चाहिए अगर आप डायरेक्ट जॉब करने चले जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस तो उसमें आप लोग को लॉस हो जाएगा कि अगर आपकी कोई भी बीच में अपॉर्चुनिटी आती है या फिर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आप लोग उस जॉब को छोड़ नहीं सकते चाहे आप लोगों के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिस करनी पड़ जाए आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को आप नहीं तोड़ सकते उसके लिए आप लोग को यहाँ पर जो जो कहेंगे आप लोग के लिए यहाँ पर होगा एफ भी की जा सकती है उसके लिए इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब को कोशिश कीजिए कम से कम कीजिए तो ये चीज़ें ये लॉस होते हैं काफ़ी अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस जॉब की तो इस जॉब की यहाँ पर बात करें तो ये टॉप एमएनसी में से अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है ठीक है दूसरा चीज ये यहाँ पर हायरिंग हो रखी है साथ में आप लोगों की ट्रेनिंग की भी जॉब है यहाँ पर कई डिपार्टमेंट में जॉब है आप लोगों की यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं मैं आप लोग को वन बाय वन बताऊंगी सबसे पहले आप लोग को क्या करना है यहाँ पर देखिए ये मैं ये वाला जो पेज है करियर पेज है इसका और ये जो आप लोग लिंक है आप लोग को मिल जाएगी यहाँ पर मेरे टेलीग्राम पर या फिर डिस्क्रिप्शन में ठीक है आप लोग को जाना है करियर साइड पे आप लोग इसकी करियर साइड पे जाएंगे मैं आप लोगों को साथ में बताती हूँ करियर साइड पे जाने के बाद ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं दिखाई देगा पेज में बट थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो एक चेंजिंग दिखाई देगी नीचे ओपनिंग ओपन हो जाएंगी ठीक है नंबर ऑफ ओपनिंग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सक, दिया गया है अब देखिए आप लोग ओपनिंग पे ना जाइएगी नंबर ऑफ ओपनिंग वन है टू है थ्री है क्योंकि वन टू इस तरीके से ये इन लोगों को दिए अगर आप इनको स्टूडेंट काफी अच्छे मिलते हैं तो ये हायर कर लेते हैं ठीक है अब अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इस आ, यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट की ये कई डिपार्टमेंट दे रखे हैं इन इनके यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर आप लोग को हाईलाइट करती जाती हूँ जैसे प्रोजेक्ट चार्ज का दे रखा है कंस्ट्रक्शन मैनेजर और यहाँ पर देखिए बिलिंग यहाँ पर देखिए बिलिंग इंजीनियर प्लानिंग इंजीनियर ये यह सारे यहाँ पर दे रखे हैं मैं थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ ताकि आप लोग सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट देख पाएँ ठीक है ठीक है ये सारे डिपार्टमेंट हो गए अब देखिए सबसे पहले इनके इनकी क्वालिफिकेशन जानिए इसमें जो है डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर और ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ठीक है साथ में अगर आप यहाँ पर 2022 के कैंडिडेट हैं पास आउट होने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं 2021 वाले 2022 वाले अब यहाँ पर एक्सपीरियंस और फ्रेशर बोथ कैन अप्लाई अब देखिए एक्सपीरियंस किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं किस जॉब के लिए बोथ यहाँ पर और फ्रेशर किस जॉब के लिए वो सबसे पहले जानिए ठीक है थीके? देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ सबसे लास्ट में लेके चलती हूँ यहाँ पर दिया है सुपरवाइजर फोर में तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर जो ग्रेजुएशन और मतलब डिप्लोमा बी ई बी वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर स्टूडेंट अब यहाँ पर आता है सुपरवाइजर इंजीनियर तो सुपरवाइजर इंजीनियर के आप लोग आप लो फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सुपरवाइजर की जॉब होती है यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों के लिए अब आती है क्वालिटी इंजीनियर तो क्वालिटी इंजीनियर के लिए फ़्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं ब्रांच आपकी कोई सी भी है अप्लाई कर सकते हैं अब आप लोग की बात आती है यहाँ पर इंजीनियर हाईवे की तो इंजीनियर हाईवे में आप लोग सिविल से हो गए मैकेनिकल से हो गए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सीनियर इंजीनियर की तो यहाँ पर देखिए सीनियर इंजीनियर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए तो एक्सपीरियंस वाले बंदे अप्लाई करें अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते नेक्स्ट है इंजीनियर स्ट्रक्चर इसके लिए फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा बीई बीटेक सभी अप्लाई कर सकते हैं ऑल ब्रांच यहाँ पर यहाँ पर एलिजिबल है अब देखिए यहां पर जीईटी जीईटी मतलब होता है ग्रेजुएशन ट्रेनिंग इंजीनियर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर स्टूडेंट जो फ्रेशर है एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं यहाँ पर और सबसे यहाँ पर मेन बात ये कि यहाँ डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते ये ग्रेजुएशन वालों के लिए ओपनिंग है नेक्स्ट ऊपर बात करते हैं यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर की तो ये जो मैकेनिकल इंजीनियर की यहाँ पर फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं बीई बी टेक और डिप्लोमा वाले अब आता है स्टोर वाले स्टोर की जॉब तो इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट आता है एच अब देखिए एच की जॉब के लिए यहाँ पर वन ईयर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं आप लोग नहीं कर सकते हैं एच के लिए अगर आपके पास वन ईयर एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर नहीं कर सकते नेक्स्ट आता सीनियर एच तो सीनियर एच के लिए वन से लेके यहाँ पर थ्री ईयर या टू ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है तभी आप लोग अप्लाई करें नेक्स्ट आती है ओपनिंग अकाउंटेंट की अकाउंटेंट से रिलेटेड अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा ऊपर चले हैं आप लोग तो प्लानिंग मैनेजर प्लानिंग मैनेजर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास वन ईयर एक्सपीरियंस है तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग अप्लाई जरूर करें अगर आपके पास टू ईयर एक्सपीरियंस तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बट यहाँ पर चांसेस ज्यादा होंगे जिनके पास वन ईयर का एक्सपीरियंस है अब दूसरी बात यह आती है आप लोग की यहां पर कि सभी ओपनिंग के लिए यहां पर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक एक स्टूडेंट ही ओपनिंग के लिए अप्लाई कर सकता है तो देखिए पर पर आप लोग अगर जितनी भी यहाँ पर सब पोस्ट दे रखी हैं आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक स्टूडेंट एक से अधिक पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है अप्लाई किस तरीके से करना है वो सबसे पहले जानिए मेन क्राइटेरिया ये है अब देखिए आप लोग को क्या करना है यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ये यह दे रखिये आप लोग को ई मेल आई डी पे आप लोग को यहाँ पर करना होगा आप लोगों को क्या करना है टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आप लोग टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां आप लोग को क्या मिलेगा कवर लेटर वहां से क्या करना है कवर लेटर कवर लेटर में आप लोगों को बिल्कुल सेम नहीं करना है उसमें थोड़ा करेक्शन करना होगा करेक्शन क्या जैसे मैंने वहां लिखा है नेम तो आप लोग अपना नाम डालेंगे मैंने वहां लिखा होगा ब्रांच राइट ब्रांच तो आप लोग अपनी ब्रांच लिखेंगे मैंने वहां लिखा होगा कि यहाँ पर जो है कॉलेज का नाम लिखिए तो आप लोग अपना कॉलेज का नाम लिखेंगे तो जो चीज वहाँ लिखी होगी अपना कॉलेज का नाम वो सारी चीजें आप लोग करेक्शन करके तो आप लोग क्या करेंगे ई में ईमेल भेजने से पहले इस ईमेल पे यहाँ पर क्या करेंगे उस कवर लेटर को ऐड करेंगे प्लस अपना रिज्यूम वहाँ पर सेंड करेंगे रिज्यूम सेंड करने के बाद वहां पर छोड़ देंगे ठीक है ये आप लोग की डायरेक्ट एच की ई मेल आई डी डायरेक्ट एच से आप लोग को मेल आएगा मेल के थ्रू कोई भी कॉल आता है कॉल यहाँ पर नहीं करती हैं कंपनियां ये चीज ध्यान दें ये तो हो गई आप लोग की यहाँ पर आ, ये ओपनिंग ठीक है अब मेल आईडी किस तरीके से मिलेगी आप लोग को मैं डायरेक्ट इस करियर पेज की लिंक दे दूंगी यहाँ पर जाकर आप लोग क्लिक करें तो आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग ई मेल आई मिल जाएगी बाकी आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं या फिर मैं भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी तो दोस्तों इस तरीके से करना है ओपनिंग काफ़ी अच्छी है जरूर से अप्लाई करें एक से अधिक ओपनिंग है यहाँ पर तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय थैंक यू